ये जो है ये अटेर के महाराजाओं का जो एक किला है, ये छोटा सा एक जो रूम है इसको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर जाने में तो बहुत डरावना लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जंगल दिखाई दे रहा है। देखिए अंदर का जो दृश्य है, इसी तरह के जो है राजा महाराजाओं का पहले घर रहते थे, ये उनके छोटे मोटे मंत्रियों सब का है, ये ऐसे इसमें राजा नहीं रहते थे। इससे आगे दिखाएंगे, देखिए कितना झाड़ी है, उसमें जो है हम सफ़र कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं हम। देखिए अरे रे, देखिए आप, ये जो है उसके चार दीवारी है, उसके अटेर के महाराजाओं के जो ये किला है उसकी ये चार दीवारी है, जो यहाँ से राजा महाराजाओं जो है आकर के अपने राज को निरीक्षण करते थे। ये जो है वो यहाँ से निरीक्षण करते और पूरे यहाँ से दृश्य अपने राज को ये यहाँ से देखते थे। देखिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किला के ऊपर से, इसीलिए राजाओं महाराजाओं का जो घर रहता था बहुत ही ऊपर पहाड़ी इलाका पर रहते थे, जो आप ये देख सकते हैं। हम लोग जो आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए और वही दृश्य हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पर कैसे क्या करते थे राजा महाराजा, उसके घर कैसा है, वो सब हम सब दिखाएंगे आज आप लोगों को। थोड़ा दिखाते हैं अभी क्या है रे, आ चुके हैं यहाँ पर बाबू। ये जो है ना महाराजाओं का जो है ये सुरंग है, सुरंग नहीं है ये, इसको जो कुआं कहा जाता है, वहाँ पर जो पहले फांसी दिया जाता था ना तो उसमें गिरा दिया जाता था। देखो यहाँ पर ये है कुआं जो बहुत ही गहराई में है स्थित, लगभग ये इसकी जो है गहराई लगभग 150 फीट लग रहा है, इतना होगा। यहाँ से इतने नीचे उसको फेंक दिया जाता था, किसी को मार करके या किसी को जो सजा दिया जाता था तो उसमें ही फेंका जाता था। उसमें पानी अभी नहीं है। अब और दिखाते हैं आप लोगों को इससे आगे का दृश्य कितना है, ये देखिए। अभी डरावना सीन तो लग रहा है। अब यहाँ पर आ चुके हैं, ये जो है किला का ही एक दृश्य है जो आप लोग ये देख सकते हैं। देखो उसे खंभा सब जो टूटा हुआ है ना, ये सबका ये अब से दिखाई दे रहा है, ये कैसे खंभा सब जो है ना, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब दिखाते हैं आप लोगों को, थोड़ा अंदर जा कर के थोड़ा अंदर चले जाते हैं, ऐसे तो डर लग रहा है भैया, देख लेता कुछ तो है नहीं ना, हाँ कुछ नहीं है। चलो देखिए यहाँ पूछो अंदर में आ चुके हैं, यह महाराजाओं का जो ये किला है, ये भवन था जिसमें उसके महारानी रानी सब रहते थे, उसके राजकुमारी सब रहते थे, उसकी बेटियाँ सब रहते थे, वह क्या उसके जमफुल रहा है, क्या करेंगे, बहुत डरावना सीन है ना, इसको दिखा रहा है आप लोगों को। वो देखिए कितने गहराई में इतना, देखिए आप लोग देख सकते हैं कितने ये यहाँ से उसके महल से जो है नीचे जो है कितना गहराई है। अरे यहाँ से राज दिखाओ ना राज, यहाँ से देखिए इसके पूरे राज्य है, राजा महाराजा लोग जो है इसलिए इतने ऊपर अपना महल बनवाते थे कि कोई जो अब है बाहरी आदमी आकर के या बाहरी शासक आकर के उसको ऊपर आक्रमण करते थे ना, उससे बचने के लिए उसके किला में कायक न चले जाए उसी लिए जो है ना वो अलग इतना ऊपर बनाते थे अपने महल को, ताकि उसको तोड़ने में कुछ समय लगेगा तब तक जो है राजा महाराजा लोग अपने आप को सतर्क हो जाते थे, अपने सेना को जो है एकत्रित कर लेते थे।